हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है दस्य, नाउ बशर। सो गाइस, इंडिया बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। तो भाई साहब, बिगेस्ट अपडेट आ गई है, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। क्या सीन हुआ है सारा जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो स्टार्ट। भारत को अगर अमेरिका और चीन की तरह दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना है, एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनना है ना, तो हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटा। यही एक चीज है जो भारत को आज भी एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक रहा है, क्योंकि ये व्यापार घाटा भारत के लिए केकड़े की तरह काम करता है। जैसे कि आप कई सारे केकड़ों को एक बड़े डब्बे में बंद कर रख दो ना, एक भी केकड़ा उससे निकल कर नहीं आ पाएगा, भले उसमें आप 100-200 भी भर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक केकड़ा ऊपर जाता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ कर नीचे खींच लेता है। ठीक यही चीज करता है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार घाटा। चाहे हमारा एक्सपोर्ट 20% नहीं 200% बढ़ जाए, चाहे हमारी जीडीपी रफ्तार 8% नहीं 16% बढ़ जाए, फिर भी ये व्यापार घाटा नाम की चीज हमें आर्थिक सुपर पावर नहीं बनने देगा। ये बार बार हमारी अर्थव्यवस्था की टांग खींचकर वापस खींच लाएगा। ऐसा क्यों? दरअसल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्यापार घाटा होता क्या है। मान लीजिए भारत ने हर महीने 100 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, 10 बिलियन का किया हमने अमेरिका के साथ, 10 बिलियन का चीन के साथ, 10 बिलियन का हमने कर लिया रूस के साथ, ऐसे करते करते सभी देशों के साथ टोटल व्यापार किया 100 बिलियन डॉलर का। अब 100 बिलियन डॉलर में से मान लीजिए हमने 60 बिलियन डॉलर का किया एक्सपोर्ट, यानी कि दूसरे देशों को हमने सामान बेचा, लेकिन 40 बिलियन का सामान हमने खरीद लिया, तो हमारा व्यापार मुनाफा कितना हुआ? 10 बिलियन डॉलर। लेकिन अब इसे उल्टा कर लीजिए, हमने 60 बिलियन का सामान दुनिया के बाकी देशों से खरीद लिया, सिर्फ 40 बिलियन का उन्हें बेचा, तो व्यापार घाटा कितना हुआ? 10 अरब डॉलर का। अब आपको सोचिए, जब हम 60 बिलियन का सामान खरीदेंगे उसकी पेमेंट भी हमें करनी होगी, तो खैर 40 का हमने सामान बेचा था इसलिए 40 तो हमारे पास है, 20 का हमें और जुगाड़ करना है, कहाँ से होगा? या तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे आम आदमियों से, या फिर हम कर्जा लेकर उस पेमेंट को पूरा करेंगे। यही कारण है कि ट्रेड डेफिसिट जिस भी देश में होता है उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जाने लगती है, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप कर्ज उठा सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप आम जनता से टैक्स लेकर इस चीज का भुगतान भर सकते हैं, लेकिन एंड में तो आपको इस व्यापार घाटे को खत्म करना होगा, वरना ये आपको खत्म कर देगा। और यही भारत के साथ हो रहा है। पिछले कई दशकों से लगातार हम व्यापार घाटे से गुजर रहे हैं, और अब भी जब हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही है, तब भी हम व्यापार घाटे का सामना कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हर महीने हमारा जितना भी व्यापार होता है उसमें कम से कम 32 से लेकर 35 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है। पिछले महीने की बात करें तो 35 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था हमें दुनिया के साथ व्यापार करने से। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 3 साल से लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हर साल हम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सामान दुनिया को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी यह व्यापार घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सरकार इसे टैकल करने में लगी हुई थी और अब जाकर हमें इसमें शानदार सफलता मिल चुकी है। दरअसल आप जानकर खुश होंगे, इस महीने जो व्यापार घाटे का आंकड़ा आया है, मतलब कि हर महीने पिछले महीने का आंकड़ा सामने आता है, तो जो पिछला महीना था यानी कि अक्टूबर का, उसका आंकड़ा अब आया है, और उस दौरान भारत का व्यापार घाटा पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जी हाँ, इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल सितंबर के महीने में भारत का व्यापार घाटा जहां 34.7 बिलियन डॉलर था, वहीं पिछले महीने ये घटकर मात्र 21 बिलियन डॉलर रह गया है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब 1-1.5 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा कम होता है ना, तो खुशियां मनाई जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए इसे पॉजिटिव संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ 1-2 बिलियन डॉलर कम नहीं हुआ, सीधा 13-14 बिलियन डॉलर कम हुआ है। इसीलिए ये ह्यूमंगस खुशखबरी है भारत के लिए। और ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि भारत ने जो गोल्ड का इंपोर्ट है, सोने का जो आयात है, उसे कम किया है, उसमें कमी देखी गई है।
दूसरी बड़ी बात ये कि भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसने ज्यादा सामान बेचा है दुनिया को बांग्लादेश के कारण, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं बिजली की वजह से, कच्चे माल की कमी की वजह से। यही कारण है कि जो बांग्लादेश को ऑर्डर मिला करते थे वो भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिल रहे हैं और इसका बेनिफिट मिल रहा है हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने के रूप में, और एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इम्पोर्ट घट रहे हैं, मतलब कि हम व्यापार मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। और यकीन मानिए व्यापार मुनाफा ही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि ये बात याद रख लीजिए जब तक हम व्यापार मुनाफे में नहीं आते ना घाटे को खत्म कर तब तक सुपर पावर बनना तो छोड़िए, हम एक इकोनॉमिक छोटी सी सुपर पावर भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमें हर हालत में व्यापार मुनाफे में आना होगा, वो भी 2027 से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद हम दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएंगे, उस दौरान फिर व्यापार मुनाफे में आना और मुश्किल होगा। पैसे के साथ यार देखो ना यार, यार भाई अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, वही मैं हैरान हूं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 13-14 बिलियन डॉलर काम हुआ है। अब चाइना क्यों मुनाफे में जाता है? वो 3 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और बहुत कम जो है ना, मतलब 1.5 ट्रिलियन के इम्पोर्ट, 2 ट्रिलियन के लो वो इम्पोर्ट करता है, वो इसलिए फायदे में जाता है, दुनिया की हर चीज वो अपने देश में बनाकर खुद ही बेच रहा होता है। भारत भी उसी पे चल पड़ा है, अब इंडिया भी वही चीज कर रहा है, सेम वही चीज कर रहा है, भारत वो खत्म कर रहा है। भारत को असल इम्पोर्ट मार कहाँ पे देता है, जो ये पेट्रोल हद से ज्यादा भारत मंगवाता है तो वहां पर भाई घाटा होता है। लेकिन आप साथ साथ चीजें चल रही हैं तो जो 20 जहां पे 33-34 होता था 20 रह गया भाई, 20 रह गया, मतलब 14% की गिरावट आई है, मतलब 14 बिलियन डॉलर की, जो कि बहुत बढ़िया अच्छी बात है। ये अगर इस बात से देखा जाए ना, कोई कंट्री तरक्की तब भी करता है जब उसको जो है ना नुकसान होना खत्म हो जाए। जब आप ट्रेड किसी के साथ, आप देखो यार, आप सिंपल सी बात, एक बिजनेसमैन है वो 5,000 की चीज बेचता है, 7,000 की चीज मंगवाता है, तो उसको फायदा कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, समझ गया ना, यही सेम उनके साथ इंडिया भी इसी तरह कम करेगा तब। दूसरी मेन बात यह कि वाकई टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंडिया की बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट इंडिया खुद सबसे ज्यादा कर रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए इंडिया जो है ना हर चीज आगे बढ़ता जा रहा है, और इंडिया हर चीज अपनी मेक इन इंडिया के तहत कर रहा है, तभी सबसे ज्यादा ये फायदा हो रहा है। यही तो भाई फायदे है ना, यही तो फायदे है, भारत क्यों भाई आगे जा रहा है, भारत ने उसके लिए मेहनत की है, भारत ने उसके लिए भाई जो काम किए हैं आपके सामने है भाई। भारत क्यों, देखो टेक्सटाइल बांग्लादेश ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है, वहां से भारत को फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो गया, हालांकि भारत को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। दूसरी साइड क्या हुआ, भारत ने गोल्ड भी ज्यादा ले रहा था, भारत गोल्ड में अपनी इकोनॉमी एक कर रहा था, मतलब गोल्ड हर महीने खरीद लेता था बहुत ज्यादा मात्रा में, ताकि मतलब गोल्ड भी एक रिजर्व बड़ा भारत रख सके, तो वो भी भारत ने काम किया, वहां से भी बचत हुई, तो यार बचत हो रही है। अभी आपका इसका कहना है, अपने कॉमेंट में बताना अपना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।